फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जूल्स वर्नेज फेमस नोवल दैट इज अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। फ्रेंड्स, ये एक एडवेंचरस नोवल है और इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें 1872 की एक स्टोरी है जिसमें कि एक पर्सन होता है जो इस चीज़ पे बैट लगाता है कि वो पूरे वर्ल्ड का चक्कर 80 डेज में लगा सकता है। और इसमें अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स में फिलियास फॉग जो है वो वही वेल्दी इंग्लिश मैन है जिसने बैट लगाई थी कि वो जाएगा 80 दिन में, मतलब 80 डेज में वर्ल्ड का चक्कर लगा कर आएगा। और डिटेक्टिव फिक्स नाम का एक पर्सन होता है जो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए काम करता है और इसका ये बिलीव होता है कि फिलियास फॉग ने ही, मतलब जिसको मैं फॉग भी कह सकती हूँ फ्रेंड्स इस नोवल में, तो फॉग ने ही एक इंग्लिश बैंक को लूटा है। इसका ये विश्वास होता है कि ये कोई चक्कर लगाने नहीं जा रहा है 80 डेज में, ये बचने की कोशिश कर रहा है एक बैंक को में रोबरी करने के बाद में। जीन जो पासपार्टू है वो जो है वो फिलियास फॉग का एक सर्वेंट कह सकते हो या बटलर कह सकते हो, फ्रेंच बटलर है और जो बहुत ही ऑनेस्ट है। और फॉग के लिए ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इस तरीके से है कि अगर ब्लाइंडली फेथ करता है, मतलब उसके अंदर, उसके ऊपर, फिलियास फॉग पे। और ऑडा नाम की एक इंडियन प्रिंसेस है जो एक मुसीबत में फंस जाती है जिसकी हेल्प फॉग और ये पासपार्टू करते हैं। तो किस तरीके से वो हम इस नोवेल की स्टोरी डिस्कस करते वक्त देखेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ये जो जर्नी है, ये यहाँ पे ये लोग जो जर्नी के लिए तैयार होते हैं जिसमें फॉग है, और इसमें ये जो फॉग है ये यही बैठ